क्षमा प्रार्थी मिच्छामी दुक्कड़म। जीवन की व्यवस्था दो प्रकार से तीर्थंकर महावीर ने दी है, एक व्यवस्था साधु जीवन और दूसरे जीवन व्यवस्था गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन महत्वपूर्ण जीवन है और उस जीवन की व्यवस्था के लिए 12 व्रतों की एक सुंदर बौद्धिक आचार संहिता हमारे समक्ष है, जिसका उल्लेख उपासक दशांग सूत्र सप्तम अंग है। 12 व्रत, इसको अगर हम संक्षेप में अपनी भाषा में इसका अर्थ निकालें तो एक उत्पादन, उपार्जन, उपभोग और समिभाग। प्रथम, दूसरा, तीसरा व्रत उत्पादन और उपार्जन। गृहस्थ जीवन किसी के समक्ष हाथ फैला करके अगर जीवन जीता है तो उसके पाप का उदय है और वह पाप का अनुबंध करता है। उसे अपने श्रम से कर्म करके उसे अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास की दुनिया का जीवन चलाना है और उसे उस जीवन को चलाने के लिए व्यवसाय सही हो, आसपास के लोगों की जीवनचर्या के विषय में वो पूरा ध्यान रखे, कहीं किसी के साथ में भी अन्याय न हो जाए, अतिचार न हो जाए, अतिभार न हो जाए, इसका वह पूर्ण विवेक रखे। और विवेक पूर्वक उत्पादन धर्म है, व्रत है, साधक जीवन का प्रथम सुयोग्य चरण है। जीवन है, जीवन बिना भोग के रह नहीं सकता। उपभोग, उसे मकान चाहिए, उसे परिवार चाहिए, उसे दरेक वस्तु की आवश्यकता है। प्रत्येक वस्तु उसे उसका उपयोग करना है। चौथा व्रत, पांचवा व्रत, छठा व्रत और सातवां व्रत, ये 4 व्रत उपभोग के हैं। उत्पादन के बाद में उपभोग, और उपभोग करते हुए भी उसे एक जीवन नियंत्रित करना है। इस नियंत्रण के लिए कि अनावश्यक और आवश्यक का उसे विवेक रखना है, भेद ज्ञान रखना है, मुझे कितना आवश्यक है और जहाँ आवश्यक नहीं है उससे वो अपने आप को अलग कर दे, अनर्थ दंड से बचे। 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 4 व्रत महत्वपूर्ण है। समिभाग, समय का समिभाग, साधनों का समिभाग। हम 5 डेज वीक जिस प्रकार से आज का एक कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार से 15 दिन में एक तरह से देखा जाए तो 5 तिथियां, इसका मतलब है 10 डेज इन 15 डेज, हाफ मंथ। उससे भी आगे बढ़ करके तीर्थंकर महावीर ने समय के समिभाग की बात की है, वस्तु के समिभाग की बात की है। तो मैं संक्षेप में इन शब्दों को दोहरा करके ये महत्वपूर्ण व्रत उत्पादन, उपार्जन, उपभोग और समिभाग विवेक पूर्वक हो, ये हमारे व्रतों की योग्यतम साधना है। और इन साधक जीवन के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है, जो तीर्थंकर महावीर का मार्गदर्शन है गृहस्थ जीवन के लिए। ध्यान रखें।